जबलपुर आरटीओ के घर ईओडब्ल्यू का छापा, 650% अधिक बेनामी संपत्ति का खुलासा, प्रकरण दर्ज। जबलपुर बीते दिनों प्रदेश भर में बैंक टू बैंक कार्यवाही करने के बाद ईओडब्ल्यू ने एक अन्य कार्यवाही कल देर रात जबलपुर में की है। दरअसल जबलपुर आरटीओ संतोष पाल के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने दाबिश दी। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए यह कार्यवाही की गई। वहीं कार्यवाही के दौरान आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी के पास से आय के 650% अधिक संपत्ति बरामद हुई है। रात करीब 10:30 बजे टीम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के जबलपुर शताब्दीपुरम स्थित घर पर पहुंची। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी राजपूत ने जानकारी दी कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है, जबकि अन्य दस्तावेज सहित बेनामी संपत्ति की जांच जारी है। आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत की जांच में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और उनकी पत्नी रेखा पाल, जो आरटीओ कार्यालय के लिपिक के पद पर पदस्थ हैं, के पास बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली। वहीं अवैध स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में उनके खर्च और अर्जित संपत्ति में 350% अधिक का अंतर पाया गया है। इसके अलावा आरटीओ संतोष पाल के फॉर्म हाउस और 0° विजयनगर वाले घर पर भी दाबिश दी गई, जिसमें अब तक की कार्यवाही के दौरान 16 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। साथ ही जमीन खरीद फरोख्त संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसकी छानबीन जारी है। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी तो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में तीन टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम निर्णय। सर मासिक सैलरी क्या है जो वैध स्रोत थे उससे, उसकी तुलना में 650% वैध संपत्ति होना पाया गया। जबलपुर से अपडेट मीडिया के लिए नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।